मोदी के खिलाफ एकजुट हुए राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू, दिल्ली में मुलाकात। बोले राहुल, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने में लगी है बीजेपी, रोकना जरूरी। राहुल से मुलाकात के बाद मोदी सरकार पर नायडू ने साधा निशाना, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए साथ आए। 2019 में पहले विपक्षी दलों की गोलबंदी तेज, दिल्ली में नायडू ने पवार और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी की महाबैठक। राम मंदिर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा लाएंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल, पूछा क्या विरोधी करेंगे समर्थन। राकेश सिन्हा के प्राइवेट बिल पर सियासी बवाल, समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी के पास मुद्दा खत्म। राम मंदिर पर राकेश सिन्हा को मिला शिवसेना का साथ, संजय राउत ने कहा कोई प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो समर्थन करें। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा प्राइवेट बिल कानून का रूप अख्तियार करेगा या नहीं गारंटी। राकेश सिन्हा के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा राम और अल्लाह नहीं लोग डालेंगे वोट। अयोध्या पर बीजेपी का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा मंदिर बन के रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से अस्थाना को राहत, कोर्ट ने कहा नहीं हो सकते गिरफ्तार, 14 को अगली सुनवाई। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, अवैध निर्माण से जुड़ी रिपोर्ट जमा नहीं करने से नाराज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक में नहीं पहुंचे ज्यादातर मंत्री, प्रदूषण पर निगरानी के लिए बनाई गई 52 टीम। दिल्ली के संसद मार्ग पर प्रदूषण को लेकर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने उठाई आवाज। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में भी पेड़ों पर पानी का छिड़काव, पत्तों पर जमी धूल को हटाने के लिए उठाए गए कदम। दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी को लेकर बीजेपी सांसद उदित राज का प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ उठाई आवाज। अयोध्या में दिवाली की तैयारी जोरों पर, राम की पैड़ी और सरयू किनारे भव्य दृश्य, इस मौके पर आएंगे सीएम योगी। अयोध्या में मंदिर समर्थक संत और बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने की मुलाकात, कहा दोनों लोग अपनी कौम के लिए लड़ रहे लेकिन दिलों में प्यार। बलिया में छात्र संघ चुनाव में दो गुटों में फायरिंग और मारपीट, एक छात्र नेता को लगी गोली। बांदा में खनन माफिया के खिलाफ जल सत्याग्रह, गांव वाले कार्रवाई की मांग पर अड़े। टावर पर चढ़े नोएडा प्राधिकरण के दो कर्मचारी, सैलरी के मुद्दे पर उठाया कदम। कानपुर में डबल मर्डर, मां की हत्या के बाद बेटी को जिंदा जला। जालौन में महिला की गला रेतकर हत्या, वारदात के बाद अपराधी ने शव सड़क किनारे फेंका। रामपुर में दबंगों ने पुलिस को बनाया निशाना, कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की, कार समेत तीन गिरफ्तार। हापुड़ में दो गुटों में फिल्मी स्टाइल में फाइट, वीडियो वायरल। कौशाम्बी में ग्रामीण बैंक में लूट मामले में खुलासा, लूट को अंजाम देने वाला अपराधी एनकाउंटर के दौरान पकड़ा गया। जौनपुर में हीरा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, 1,70,00,000 के जेवरात और नकदी लूट कर बदमाश फरार। प्रयागराज में छात्र नेता अच्युतानंद की गोली मारकर हत्या, पीसीबी हॉस्टल की घटना। हाथरस में ब्यूटी पार्लर के मालिक पर फायरिंग, पुलिस ने हमलावर नदीम को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में 70 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या, कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर वादा। मैनपुरी के इंटर कॉलेज से निलंबित प्रिंसिपल ने सुरक्षा गार्ड पर की फायरिंग, कलेक्ट्रेट दफ्तर में किया जानलेवा हमला। हाथरस में 14 साल की बच्ची के हमीरपुर में छात्राओं ने हाईवे पर किया हंगामा, हादसे से तंग आकर प्रशासन के खिलाफ निकाली भड़ास। इटावा में फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, वर्दी पहनकर धन उगाही करने का आरोप। हरदोई में इनामी बदमाश गिरफ्तार, दो को पुलिस ने एक साथ बाजार में पकड़ा। मऊ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 6 लड़के 6 लड़कियां गिरफ्तार। शामली में अवैध पटाखा कारोबारियों के घर छापेमारी, भारी मात्रा में बारूद बरामद। मुगलसराय के एलबीएस पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान दिखा अजीब नजारा, छात्रों के पांव पकड़कर वोट मांग रहे प्रत्याशी। लखीमपुर खीरी में मारुति वैन में लगी भीषण आग, कार से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। मिर्जापुर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आए 6 लोग, हालत गंभीर, वाराणसी रेफर। बांदा में सड़क हादसे में 2 की मौत, 12 घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर पटियाला जेल शिफ्ट, परिवार वालों ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर की मुलाकात। दरभंगा में फायरिंग करने के आरोप में सेना का रिटायर्ड अधिकारी गिरफ्तार, रिवॉल्वर के साथ 25 राउंड गोली बरामद। बेगूसराय में पिस्टल और कार्बाइन से खेलते अपराधी का वीडियो वायरल, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। सुपौल में सीओ गिरफ्तार, 55,000 घूस लेते विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। सहरसा में सीमेंट गोदाम में छापेमारी, पुलिस ने अवैध विदेशी शराब के 327 कार्टन जब्त किए। बिहार के मुंगेर में AK-47 मामले की जांच में तेजी, गिरफ्तार तस्करों को रिमांड पर लेगी एनआईए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, किसी में ताकत नहीं जो आरक्षण खत्म कर सके, कहा जरूरत पड़ी तो कोई भी कुर्बानी देने को तैयार।
झारखंड के चतरा में पत्रकार की हत्या मामले में दो हत्यारे गिरफ्तार, एक फरार, तलाश निर्माण की खबर छापने से नाराज थे बदमाश। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस अधिकारी का बलात्कारी बेटा गिरफ्तार, दो दोस्त भी पकड़े गए। चक्रधरपुर में अवैध रेल टिकट बेचने वाला एजेंट पर शिकंजा, दो गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं, केंद्रीय नेतृत्व से नहीं मिली हरी झंडी। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा में बीजेपी के पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर का विवादित बयान, कहा मेरे किसी कार्यकर्ता की लगाई उंगली तो काट दूंगा हाथ। उदयपुर में कांग्रेस ने निकाली जन सम्मान यात्रा, पीएम मोदी पर लगाया लोगों के विश्वास खोने का आरोप। बाड़मेर में सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का हिंदी का पेपर सोशल मीडिया पर आउट, जिला प्रशासन कराएगी जांच। धौलपुर में जिला अस्पताल में चोर की पिटाई, तीमारदार से लेकर कर्मचारियों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। घाटी में दो आतंकियों के मारे जाने के बाद श्रीनगर और बटगांव में तनाव, जमकर हुई पत्थरबाजी, पत्थरबाजों में महिला भी शामिल। खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट, 55 की संख्या में रोहिंग्या पहुंचे लद्दाख। अनंतनाग में भारी मात्रा में नारकोटिक्स जब्त, दुकान में छुपाकर रखे गए थे 30 क्विंटल नारकोटिक्स। सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने वाले तीन आतंकियों ने पाकिस्तान के नापाक इरादे से उठाया पर्दा, कहा कश्मीरी युवाओं का किया जाता है ब्रेन वॉश। द्रास करगिल में ताजा बर्फबारी, कश्मीर में तेज हुई ठंडी हवाएं। राहुल गांधी के सामने ही भिड़ गए दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, दोनों में हुई तीखी नोकझोंक। सीएम शिवराज को चैलेंज करने वाले कंप्यूटर बाबा को झटका, उज्जैन में दिगंबर अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद से किया निष्कासित। दामोह में शिवराज ने कश्मीर विवाद के लिए जवाहरलाल नेहरू को बताया जिम्मेदार, नेहरू गांधी परिवार पर साधा निशाना। विदिशा में सीएम शिवराज के करीबी मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने जताई चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा, सीएम को लिखा खत, सोशल मीडिया में चिट्ठी वायरल। बैतूल में नशे में डिप्टी जेलर ने राहगीरों पर चढ़ाई कार, एक महिला वकील गंभीर रूप से घायल। धार में 1.5 करोड़ का सोना पकड़ा गया, इंदौर से रतलाम जीप से ले जाया जा रहा था सोना। छत्तीसगढ़ में राज्य की 19वीं वर्षगांठ के मौके पर नामांकन दाखिल करने की लगी होड़, दूसरे दौर के बीजेपी के 72 उम्मीदवारों ने एक साथ भरा नामांकन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मतदाताओं को धमकाने वाले बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव आयोग ने थमाया नोटिस, कांग्रेस ने की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 19 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट, अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी का टिकट काटा। हर शनिवार को आम लोगों की सैर के लिए खोले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, इसके लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन, 48 घंटे पहले मिलेगी सूचना। 1984 दंगे के खिलाफ अमृतसर के पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सुखबीर बादल एसजीपीसी के साथ 48 घंटे के धरने पर बैठे। अमृतसर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए संगरूर में अखंड पाठ, पूर्व वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढिंडसा इस मौके पर रहे मौजूद। मोहाली में निजी कॉलेज का हॉस्टल वार्डन गिरफ्तार, एक छात्र को धमकाने और दुष्कर्म का आरोप। लुधियाना में डेंगू के करीब 1500 मरीजों से हड़कंप, पंजाब में अब तक डेंगू के इतने नहीं हुए मरीज। दिल्ली के एयर हॉस्टेस अनीजिया बत्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सास ससुर गिरफ्तार, करीब 2.5 साल पहले हुई थी शादी। दिल्ली सचिवालय से 200 मीटर दूर जलता दिखा कूड़ा, प्रशासन की चौकसी की असली तस्वीर। दिल्ली में डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हड़ताल, सैलरी और कम के बेहतर हालात की मांग, मुसाफिर परेशान। दिल्ली में पैसे के लिए कारोबारी की दोस्त ने की हत्या, दो गिरफ्तार। यूपी पुलिस की करतूतों से दिल्ली पुलिस ने हटाया पर्दा, हापुड़ में 4 लोगों की हत्या के मामले में जिसे यूपी पुलिस ने बताया कातिल, वो निकला पीड़ित। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।